वजह बन रहे आवारा पशु। धरपकड़ अभियान जिले में पड़ा धीमा। हाईवे में रहता है पशुओं का डेरा, इससे टकरा कर होते हैं हादसे। संजय गांधी अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों का रिकॉर्ड भी कुछ यही कहता है। हादसे की वजह बन रहे आवारा पशु, धरपकड़ अभियान जिले में पड़ा धीमा। हाईवे में रहता है पशुओं का डेरा, इनसे टकरा कर होते हैं हादसे। संजय गांधी अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों का रिकॉर्ड भी यही कहता है। हादसों की सबसे बड़ी वजह मवेशी, वो मवेशी जो सड़कों पर टहला करते हैं, जिन्हें हम और आप आवारा पशु कहते हैं। सड़क में टहलने वाले आवारा पशुओं की धरपकड़ का अभियान जिले में पड़ा धीमा। हाईवे में रहता है मवेशियों का झुंड, खासतौर से तराई इलाके की बात की जाए तो। रीवा जिले में इन दिनों मवेशियों के धरपकड़ का अभियान फिर से धीमा हो गया है। जनपद पंचायत जवा व नगरी प्रशासन डभौरा में इसे खास तौर से देखा जा सकता है। रीवा में आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिले भर में अभियान चलाया जा गया, लेकिन अभियान एकाएक धीमा पड़ता दिखाई दे रहा। हाईवे में मवेशियों का झुंड विचरण करता नजर आता है। नगर निगम द्वारा अभियान को गति दी जा रही, लेकिन नगरी निकाय तथा ग्राम पंचायतों द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही। गौशाला का तो कल ही हमने दोनों सीओ को पत्र जारी किया है कि गौशाला का निर्माण जो है शीघ्र कराया जाए, लेकिन गौशाला में जो कैपेसिटी है उसके अनुसार हम लोग रख रहे हैं, ज़्यादा भी रख रहे हैं, किंतु जब तक जो है जनता जागरूकता नहीं आएगी, लोग जो है अपनी पशुधन के प्रति जो है स्वयं सजग नहीं होंगे, तब तक इसमें काफी कठिन है। सर, तहसील स्तर पर 34 गौशालाएं हैं, जिसमें मतलब कि कुछ गौशालाएं ऐसी हैं कि जो कागजों में बनी है और जमीन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर क्या करेंगे सर आप? उसमें कई चीजों की जांच चल रही है अभी जी। अभी जो है माननीय विधायक जी के शिविर में 20 प्रकार की शिकायतें आ रही, तो उसकी जाँच करके कार्रवाई, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ।